हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आज है बृहस्पतिवार और अभी टाइम हो रहा है 10:30। तो हम लोग पहुंच गए हैं मार्केट। तो यहाँ पे हम लोग टाइल्स देखने गए हैं। तो ये बहुत सारे टाइल्स लगे हुए हैं, तो इसी में से कोई हम लोगों को चूज़ करना है। तो देखते हैं कौन सा लेते हैं। और तो सारे टाइल्स हम लोग यहीं से ले गए हैं, जितने भी लगे हैं। श्री राम मार्बल्स है, तो सबसे अच्छा है ये यहाँ पे लखीमपुर में। तो बहुत ही बड़ा शोरूम बना हुआ है। और मैं अपने हस्बैंड के साथ गई हूँ, वो कुछ उधर फाइनल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने फाइनल कर लिया है टाइल्स। तो पेमेंट वगैरह कर रहे हैं। और ये देखिए, इधर इतने अच्छे अच्छे बेसिन रखे हुए हैं। और ये है इनका, ये शोरूम बहुत ही बड़ा है। और गोदाम तो अंदर है। और यहाँ पे हम लोग, रास्ते में मंदिर था तो हम लोग मंदिर भी गए थे, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। तो सारे भगवान हैं यहाँ पे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर मुझे लखीमपुर में पहला मंदिर दिखा है ये, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर नहीं है और सबके हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने जब देखा, मैंने सोचा एक दिन जाऊँगी ज़रूर इस मंदिर में। अब मैं मार्केट से आ चुकी हूँ घर, और टुकू को भी लेते हुए आई थी मैं, क्योंकि छुट्टी होने वाली थी। तो मतलब 15-20 मिनट पहले ले आई थी इसको मैं, तो क्योंकि मैंने सोचा कि फिर दोबारा आना पड़ेगा। और अभी मैंने नाश्ता किया है अभी, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी जल्दी में मैं नाश्ता भी नहीं कर पाई, बस एक कप चाय पी थी मैंने। और टुकू को दूध दिया, और कपड़े वपड़े जो मैंने बाथरूम में छोड़े थे वो सब मैंने धुल के छत पे डाल दिए हैं, और जो ऊपर पड़े थे छत पे वो मैं नीचे ले आई हूँ, क्योंकि वो परसों कपड़े हैं जो आज सूख पाए हैं। और आज धूप भी थोड़ी ठीक ही है, तो गेहूं भी मेरे आज सूख जाएंगे। तो अभी कुछ बाकी रह गया था, जिसमें मतलब जहाँ पे टाइल्स लगवाने हैं। तो वैसे तो बहुत जगह, मतलब सब जगह लग चुके हैं, बस कुछ जगह बाकी है जहाँ पे मैं लगवाऊंगी टाइल्स। तो फिर मैं अभी चाय बना के लाई हूँ, क्योंकि चाय मैंने नहीं पी पाई थी। मैंने जो पराठा बनाए थे वो मैंने खा लिए, क्योंकि चाय बहुत गर्म थी। तो फिर मैंने मतलब रख दी, और फिर मैंने दाल कुकर में रख दी, गैस पे चढ़ा दी, और राइस मैंने धुल के रख दिए हैं। तो मैं बनाऊंगी अभी, और आज बनाऊंगी सरसों का साग जो ड्राई बनता है वो बनाऊंगी। तो अभी तो मैं चाय पी रही हूँ, चाय पीती हूँ। टुक्कू को दूध दे दिया है, वो दूध पी रहा है और टीवी देख रहा है। और ये गए हैं फिर से मार्केट गए हैं, क्योंकि इनको कुछ चेयर्स वगैरह देखनी है। और मैं उधर से आ रही थी, तो मतलब मैं जब भी उधर से निकलती थी तो एक मंदिर था, श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। तो वो मुझे मतलब मैं सोचती थी कि मैं मंदिर, इस मंदिर में जाऊंगी कभी, क्योंकि वो यहाँ से दूर है थोड़ा। तो आज बृहस्पतिवार था तो मैंने सोचा चलो आज चलते हैं। तो मैं इधर से गई तब तो नहीं, जब उधर से वापस आ रही थी रिटर्न में, तब तो मैं मंदिर में गई। तो मैंने देखा तो मंदिर अच्छा बना हुआ है, सारे भगवान वहाँ पे हैं, कृष्णा जी, राधा जी, सीताराम जी, राम दरबार है, शिव परिवार, और माता जी हैं, और मतलब सारे भगवान हैं वहाँ पे। तो वहाँ भी होली में, तो ये मेरी इच्छा भी पूरी हो गई। ये सरसों का साग है, इसको मैंने धुल के कट कर लिया है, और इसमें मैंने ऑयल डाला है। तो ऑयल गर्म हो गया है, तो इसमें मैंने लहसुन और मिर्च तोड़ के डाल दी है। तो इसको पकने के बाद अब मैं ये साग डाल दूंगी इसमें। तो फिर इसको मैं अब चलाऊंगी, फिर मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। और थोड़ी सी पीसी लाल मिर्च, तो इसे मैं ऐसे बनाऊंगी। बहुत ही ग्रीन था, बहुत ही अच्छा था ये सरसों का साग।
इसमें राइस बन चुके हैं और दाल भी बन गई है, तो इसमें अब मैं धनिया डाल दूंगी और छौंका लगा दूंगी। तो लंच भी मेरा रेडी हो चुका है, रोटियां बनानी है बस। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी तो बच गया है, थोड़ा सा लेट गई क्योंकि आज जो पूरा काम फैला हुआ था, क्योंकि जब किसी दिन बाहर चले जाओ मार्केट वगैरह तो मतलब एक तो इन्होंने पहले साथ बताया नहीं मैं लंच और करके तुरंत बताया, तो वो सब मैं मतलब मार्केट से आने के बाद मैंने करा, तो थोड़ा थोड़ा भी करो तो मतलब काम रह जाता है। वहां से आने के बाद तो मैंने लंच बनाया और मैंने दूध दूध सब वहां से आने के बाद बॉयल किया, और फिर टुकू भी आ गया, इसका भी काम बढ़ गया। तो ये होता है, फिर मैं लंच बनाया, लंच बना के मैंने लंच करा, उसके बाद मैंने बर्तन नहीं धुले क्योंकि बहुत पैरों में पेन होने लगा था, तो मैंने बर्तन बाद में धुले हैं। थोड़ी देर रेस्ट किया फिर बर्तन धुले, और अब भी टुक्कू को पढ़ा रही थी साइंस, कल होमवर्क मिला है साइंस में, तो मतलब आज मिला है कल के लिए, तो मैंने उसको साइंस कराई और इंग्लिश कराई और बच्चे भी हैं, अभी टीवी देख रहा था तो मैंने कहा होमवर्क तो कर लो, तो फिर आया तो मैंने कराया, क्योंकि जब तक कहोगे नहीं तब तक नहीं होगा, कुछ कुछ नहीं करेगा। और होमवर्क भी लेट के करा है, पिलो रखी हुई है तो उल्टा लेट गया और वहीं पे करा है, इसी की तो बात ही नहीं डाली है। हर काम लेट के होता है, कभी कभी खाता भी लेट के उल्टा लेट जाएगा, छिपकली की तरह है, तो वैसे खाएगा कुछ प्रसाद वगैरह या नमकीन या फिर बिस्किट, कभी कभार राइस डाल देती हूँ तो भी वैसे ही खाता है, बोलता है बैठ के खाऊंगा तो गिर जाएगा, स्पून यहाँ से यहाँ तक ले जाऊंगा तो वो नीचे गिर जाएगा, तो फिर वो थोड़ा सा लेट जाता है उल्टा तभी खाता है तो अभी अभी मैं चाय बनाऊंगी तो चाय पीऊंगी, चाय पीने का मन हो रहा है। और चलिए फिर, कभी कभी पूरा दिन बिजी हो जाता है, बालों में बहुत सारा ऑयल लगा हुआ है, लग रहा हेयर वॉश करने वाले हैं, तो चलिए फिर चाय बनाते हैं, पीते हैं थोड़ी चाय, क्योंकि जब थकान होती है तो मेरी तो थकान चाय से उतरती है, चाय पी लो तो थकान उतर जाती है। मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और टुकू के लिए दूध बॉईल कर रही हूँ क्योंकि उसको भी दूध पीना है। मम्मी देखो इसमें। बस चाय ले आई हूँ मैं और एक बिस्कुट ले आई हूँ मैं, क्योंकि ज्यादा नहीं खाना है मुझे और खाली चाय पीने जाती है मुझसे, तो कुछ ना कुछ ले लेती हूँ चाय के साथ। इधर आओ, इधर यहाँ भी हो, इधर लेटो। और दूध मैंने बना दिया, बोतल में रख दिया और ये खेल में पड़ा हुआ है। दूध पियो पहले। टुकु से सुना रहा। सुना? नहीं नहीं मत सुना, मत सुना। एक तो सुना दो। हाँ
सुना। टुकू से सुना रहा है तो बोला, मैंने कहा नहीं सुनाओ, तो कह रहा नहीं मैं आज ही सुनाऊंगा। मैंने कहा कल सुनाने रहा, तो नहीं आज ही सुनाऊंगा। तो सुनिए इसके शेर सुना। एक है तेज बोलना। मैं हूँ वो है आज पे सो है। वाह क्या बात है। और एक एक दूसरा। हाँ सुना दूसरा। चक्के चक्का चक्के लारी हमारे है बनी खिलाड़ी। अरे वाह। और एक है और बस नहीं और है। और कितने हैं? एक है मैं उसका दोस्त मानना, साथ में छीलते हैं गन्ना फूकते गन्ना छीलते अच्छा। और पोपट वाला नहीं है? पोपट वाला है तो सुना। क्या बात क्या बात क्या बात, किस्मत ने दिया हमारा साथ। अरे यार टुकू तो आवाज भी निकाल लेता है। सबकी कैसे निकालता है? कैसे किसकी? सबकी। हाँ और तेरी इमा बचाओ कुछ इतने आती है। अच्छा ठीक एक है और एक ही उसकी आज उसकी पुलिस की आज उस पांडे नहीं इंस्पेक्टर पांडा। हाँ इंस्पेक्टर पांडा। क्या है उसकी? इस हनी क्या कर रहा है जेल में डालूंगा। बस इतनी आती है। बस एक बनी की सुनाई है, एक हनी की सुनाई है और एक इंस्पेक्टर पांडा की। इंस्पेक्टर पांडा की सुनाई है। और क्या है? और एक है पोपट की सुनाई है। और उनकी तोता राम की हबाय मुझे कॉमेडी भी आता है, मैं डांस कर लेता हूँ। हनी मनी बहुत देखता है ना चक्कर में इसको सब याद हो जाता है। ठीक है फिर मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और टुकू की शायरी एंजॉय करिए और मेरे चैनल को लाइक सॉरी मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टुकू बहुत सारी शायरी सुनाएगा आगे भी। और टेक केयर। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।